एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग ग्रोथ ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। और ग्रोथ ऑफ फंक्शन को डिस्कस करने के लिए हम, मान लीजिए कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिसको हमने नोट डाउन कर लिया है, या डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज जो हो सकती हैं किसी एल्गोरिथम की। उसमें एक होता है बिग ओ या थीटा 1। इसका मतलब है कि हम कॉन्स्टेंट टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी को रेफर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि किसी एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है, तो हमने उसको ऐसे डिनोट किया। और सिमिलरली किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन है, किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, उसको हमने ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लिखा। किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल है, और जो पॉलिनोमियल में एन का पावर है वो 2 है, और ऐसा हमने कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस किया कि जो कि एक्सपोनेंशियल है, 2 रेज टू द पावर n। और एक फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि हमने ये कहा। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और इसमें स्पेशली स्पेशल टाइप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो ये इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है जिसमें ऑर्डर ऑफ एन रेस्ट टू द पावर c होता है। इसको हम कहते हैं कि दिस इज द पॉलिनोमियल टाइप कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ एन भी इसका ही एक स्पेशल केस है। इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें कि सम कॉन्स्टेंट रेस्ट टू द पावर वेरिएबल टर्म होता है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। और एक मेरे फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी है ये वाली। इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी वैल्यूज मिल रही है, अगर मुझे ये पता करना हो कि कौन सी एल्गोरिथम अच्छी है और कौन सी एल्गोरिथम अच्छी नहीं है, या फिर इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट्स कौन सी एल्गोरिथम अच्छी होगी और कौन सी एल्गोरिथम अच्छी नहीं है, तो इस रिस्पेक्ट में अगर हम एक प्लॉट ड्रॉ करें तो ये ऐसा प्लॉट मिलेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो प्लॉट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंट टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबसे कम ग्रोथ वाली है, लॉग एन की ग्रोथ उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और एन की ग्रोथ लॉग एन की ग्रोथ से ज़्यादा है। ऑब्वियसली एन में लॉग एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एन लॉग एन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है या एन लॉग एन का जो ग्रोथ है वो एन की ग्रोथ से ज़्यादा होगा। सिमिलरली जो एन स्क्वायर का जो ग्रोथ है वो एन लॉग एन से भी ज़्यादा होगा। 2 रेस्ट टू द पावर n की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और एन स्क्वायर से या एन रेस्ट टू द पावर c से ज़्यादा है। सिमिलरली ये जो एन फैक्टोरियल है, इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी। इसको एन फैक्टोरियल को आप अप्रोक्सीमेट जब करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू एन रेस्ट टू द पावर एन। तो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हमने इसको ऑर्डर कर लिया और हमने ये समझ लिया कि किसका ग्रोथ ज़्यादा है और किसका कम है, तो हम एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश कर लेंगे वाइल डिराइविंग द कॉम्प्लेक्सिटी, और वाइल फाइंडिंग आउट द कॉम्प्लेक्सिटी, और वाइल एनालाइजिंग द एल्गोरिथम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है और आपको ये फाइंड करना है कि इसमें बेटर कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमसे ये कहा गया कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि ऑर्डर ऑफ 1 है, और एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन है, और एक कॉम्प्लेक्सिटी है लेट्स से ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और एक और कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हम कह रहे हैं 3 रेज टू द पावर n। अगर हमें इसको ऑर्डर करना है तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले कांस्टेंट टाइम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो, उसकी ग्रोथ सबसे स्लो होगी। इसके बाद जो लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी ग्रोथ नेक्स्ट होगी। इसके बाद जो एन स्क्वायर लॉग एन वाली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी नेक्स्ट ग्रोथ होगी, नेक्स्ट फास्टर ग्रोथ होगी। एन क्यूब की जो ग्रोथ होगी वो एन स्क्वायर लॉग एन से ज़्यादा होगा, इसलिए 4 नंबर पे इसकी ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा है। और 3 रेस टू द पावर n की जो ग्रोथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और अगर हमने इस ऑर्डर में इसको देख लिया, तो अगर हमसे अगर किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है या गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो हम सिंपली आंसर कर सकते हैं कि 1 नंबर पे ऑर्डर ऑफ एन है, या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एन की जो ग्रोथ है वो सबसे कम है, एंड देन फॉलोड बाई ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और देन सॉरी ऑर्डर ऑफ एन नहीं, ऑर्डर ऑफ 1, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। एंड देन नेक्स्ट जो ग्रोथ होगी, फास्टर ग्रोथ, वो एन स्क्वायर लॉग एन की होगी। एंड देन नेक्स्ट फास्टर जो ग्रोथ हमारी है वो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब की होगी। एंड जो सबसे फास्टेस्ट होगा वो 3 रेज टू द पावर n होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को पिक करेंगे और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हम कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।